दोस्तों नमस्कार। एकाग्रता कैसे प्राप्त करें? एकाग्रता के लिए आपको शून्य की अवस्था में होना पड़ेगा, और शून्य की अवस्था कब होगी? जब इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे यदि कोई अंडा है तो अंडा शून्य की अवस्था माना जाएगा, तो अंडा से पक्षी हुआ, और पक्षी का जब दूसरा ये हुआ, पक्षी का घटक चक्र, पक्षी के बाद वह मर जाएगा, तो फिर उसका जो होगा वो भी अंडा ही होगा। तो अंडा का मतलब होता है शून्य की अवस्था। वही एकाग्रता होती है कि जब हमारे मन के किसी भी प्रकार के विचार मन में ना हो, और हम कहीं पे बैठे हों और हमारा ध्यान शून्य की अवस्था में हो, जब हम किसी प्रकार का कुछ भी ना सोच रहे हों, ना सोच रहे हो का मतलब हमारा ध्यान शून्य की अवस्था में हो। जब कोई क्रिया ना करे, चाहे मानसिक शारीरिक बौद्धिक क्रियाएं जब स्थगित हो, तो ही वह शून्य की अवस्था कहा जा सकता है, और शून्य की अवस्था को एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता का मतलब किसी भी प्रकार से कनेक्शन कनेक्टिविटी ना हो, वही एकाग्रता है। और एकाग्रता ही आपके शुद्धि दिमाग बुद्धि की शुद्धि एकाग्रता के कारण ही हो सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। मान लीजिए आपके दिमाग में 50 प्रकार के विचार हैं, 50 प्रकार के बात हैं, कई प्रकार की बात रेशन है, झगड़े हैं, लड़ाई है, जो भी है, लेकिन हमारा एकाग्रता कब होगा? जब हम अपने मन बुद्धि को, अपने शरीर को किसी स्थान पर बैठ करके और मन को एकाग्र कर लें, बुद्धि को एकाग्र कर लें कि यह जो हम कर रहे हैं क्या यह सही है, और उसका परिणाम क्या होगा, आने वाला समय का परिणाम क्या होगा, पूर्व अभ्यास, पूर्व परिणाम और बाद का परिणाम, दोनों का सामंजस्य होने के कारण जो अवस्था शून्य की होगी, एकाग्रता की होगी, वही अवस्था शून्य की अवस्था कहलाती है, कि निरंक, ना आगे और ना पीछे। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है कि हमारा जन्म हुआ, फिर आगे चल करके मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, तो हम शून्य से शून्य की ओर जाते हैं। तो यदि आपको एकाग्रता चाहिए तो शून्य की ओर जाना पड़ेगा, मतलब मैं कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं जानता और यह संसार नहीं है और मैं कहीं नहीं हूँ, वह भी एक बड़ी एकाग्रता है। जब आपके बंधन कट जाते हैं तो आप एकाग्र हो जाते हैं। तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, मन मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए। तो एकाग्र कब होना चाहिए? जब आप बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाएं, उस समय एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा मस्तिष्क जो है अव्यवस्थित हो चुका है, हम विषयों में गुटमुट हो गए हैं, मतलब दूसरे विषय के दूसरे विषय, दूसरे विषय के दूसरे विषय, क्वेश्चन आंसर मिक्सअप होने लगता है। हमारा एक ही दिमाग है और उसमें जितने विषय होते हैं, 5-6-7 विषय, सभी विषय के प्रश्न उत्तर आने लगते हैं, सर्च होने लगते हैं, तो वो जो है गड़बड़ी होती है। इसलिए उस स्थिति में कुछ समय के लिए आपको एकाग्र होना चाहिए, और एकाग्रता के कारण उसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं और अच्छे होते हैं, इसलिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता से भी नए विचार, नए हल उत्तर मिलते हैं, इसलिए पढ़ने वालों को और जो व्यावसायिक हैं या घरेलू हैं, सभी के लिए, जो मानव व्यक्ति के लिए, सभी के लिए, उसके जीवन में कुछ दिन बाद जब उसको ऐसा लगे कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में
आप यदि नौकरी भी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर के आप एकाग्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और यदि आप एकाग्रता की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिणाम अच्छे होंगे और जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उससे भी समस्या से निजात पा सकते हैं। उसका एक ही उपाय है एकाग्रता। और एकाग्रता में हल मिलने के बहुत बड़े चांस 90% होते हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है दोस्तों। इसलिए एकाग्रता एक बहुत बड़ी समस्याओं का हल भी है, यदि आप इसको उस तरह से लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एकाग्रता किस तरह से हमको लेनी चाहिए। और जब जैसे भाग दौड़ में बहुत से लोग जो है उनका दिमाग काम नहीं करता, दिमाग सिर में दर्द रहता है और नींद भी नहीं आ रही है, उसमें भी एकाग्रता की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू, नमस्ते, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।